मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हैदराबाद में एक 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों में हाई प्रोफाइल नाम भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे मामले में एक विधायक का बेटा भी शामिल है। हैदराबाद के पॉश इलाके जुबली हिल्स में गैंगरेप का ये मामला सामने आया है, जहाँ 17 साल की लड़की अपने दोस्त के पार्टी में शामिल होने गई थी और जहां से करीब 3 से 4 लोगों के साथ में पार्टी से ये घर वापस लौट रही थी और कार में ही इस लड़की से गैंगरेप हुआ है, जिसमें एक हाई प्रोफाइल यानी विधायक के बेटे का नाम सामने आ रहा है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। और लड़की के पिता ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। ये घटना 28 मई की है और घटना के बाद से ही लड़की काफ़ी डरी सहमी सी है और कुछ भी बता नहीं पा रही थी, मगर जब महिला ऑफिसर्स ने इस लड़की से पूछताछ की तो मामला गैंगरेप का सामने आया। और लड़की सिर्फ इस पूरे मामले में एक ही आरोपी की पहचान कर पा रही है और पुलिस ने इस पूरे मामले में IPC की धारा 354, 323, IPC 910, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत 3 लोगों पर मामला दर्ज किया था, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद फिर इसमें IPC की धारा 376 भी जोड़ दिया गया है। मामला हाई प्रोफाइल नाम से जुड़ा है और पुलिस इस पूरे मामले में तथ्यों की पुष्टि करते हुए जांच पड़ताल कर रही है। अभी तक इस पूरे मामले में किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।